मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार कल्याण फाटा सील फाटा के सड़कों पर गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही पति पत्नी की मौत हुई थी गड्ढों की वजह से, मगर मंगलवार रात मुंब्रा के ही एक और नौजवान की सील फाटा के आगे रॉयल होटल के पास गड्ढे में स्कूटी लेकर गिरने की वजह से कंटेनर की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम आकिब जावेद सिद्दीकी है, जो मुंब्रा के ओल्ड नसीमन कॉलोनी का रहने वाला है। पिता का नाम जावेद सिद्दीकी है। आकिब जावेद सिद्दीकी अपनी बीमार नानी का दवा लेने के लिए अपने दोस्त के साथ सील डायघर गया था, मगर लौटते समय स्कूटी गड्ढे में गिरी और पीछे से आ रहे कंटेनर की चपेट में आ गया, जिसकी में आकिब की मौत हो गई और घटना के बाद से ही कंटेनर चालक फरार हो गया। आपको बता दें कि कल्याण फाटा से वाई जंक्शन तक सड़क पर आपको इसी तरह के गड्ढे देखने को मिलेंगे, जो हमेशा बाइक सवारों के लिए खतरा बना रहता है। बड़े वाहनों की चपेट में आने की वजह से बाइक चालकों की मौत भी हुई है। वहीं आकिब के दोस्त का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।